राजस्थान में कितने जिलों पर खतरा मंडराया, धरने पर बैठी जनता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे फैसला। राजस्थान में 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। जनता सड़क पर है और आंदोलन कर रही है कि कहीं उनका जिला रद्द न हो जाए। केकड़ी, शाहपुरा, सांचौर और गंगापुर सिटी में SP नहीं लगाए जाने के बाद से इन जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको बता दूं कि गहलोत राज में 17 नए जिले बनाए गए थे। भजनलाल सरकार ने हाल ही में IPS अफसरों की नई ट्रांसफर लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ गया। इस लिस्ट में गहलोत राज में बनाए गए 4 जिले केकड़ी, शाहपुरा, सांचौर और गंगापुर सिटी, उनकी जगह उनके मूल जिले के SP को ही कार्यभार सौंपा गया है। इसके बाद सियासी और प्रशासनिक गलियारों में सरकार के इस आदेश से जमकर हलचल मची हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार इन जिलों को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। नई IPS के ट्रांसफर लिस्ट में इन जिलों पर SP नहीं लगाए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। भजनलाल सरकार नए जिलों पर रिव्यू कमेटी से सर्वे करवाने के बाद अब अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों भजनलाल सरकार ने जिलों की रिव्यू कमेटी के संयोजक पद से डिप्टी CM प्रेमचंद देरवा को हटा दिया। इसको लेकर माना जा रहा है कि इन 4 जिलों के साथ साथ दूदू जिला भी समाप्त किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई नेताओं ने नए जिलों में केकड़ी, शाहपुरा जैसे जिलों पर आपत्ति जताते हुए संकेत दिए थे। इस दौरान UDS मंत्री जब्बर सिंह खर्रा ने भी कहा था कि 5-6 नए जिलों को समाप्त किया जा सकता है। SP की ट्रांसफर लिस्ट में इन जिलों में SP हटाने के बाद इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। अब एक तरफ जहां स्थानीय नेता CM भजनलाल शर्मा को लेटर लिख रहे हैं कि उनके जिले को रद्द नहीं किया जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भजनलाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब अगर ये जिले रद्द होते हैं तो इन जिलों की जनता का आंदोलन तेज हो सकता है। सांचौर में पूर्व मंत्री की हड़ताल समाप्त, जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सांचौर पूरी तरह से बंद रहा। इधर जिला यथावत रखने की मांग को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अनशन समाप्त कर दिया। बिश्नोई ने कहा कि सरकार की नीयत में यदि जिले को लेकर मन में कोई खौड़ नहीं है तो सांचौर जिले को लेकर गारंटी दें। शाहपुरा में वाहन रैली निकाली, शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर वाहन रैली निकाली गई। रैली में भाजपा, कांग्रेस समेत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि जिस तरह से शाहपुरा कलेक्टर से वित्तीय प्रभार वापस लेकर भीलवाड़ा कलेक्टर को दे दिया गया है, इससे आशंका है कि कहीं जिला समाप्त नहीं कर दिया जाए। केकड़ी में स्कूलों में छुट्टी, स्वेच्छा से रखा बंद। केकड़ी जिले को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर शहर में बंद का व्यापक असर देखा गया। निजी शिक्षण संस्थानों ने बच्चों की छुट्टी कर दी। वकीलों ने शहर में घूम घूम कर प्रतिष्ठानों को बंद कराया। हालांकि अधिकांश व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं कलेक्टर के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। गंगापुर सिटी पर कैंची चला रहे हैं CM भजनलाल शर्मा, बोले रामकेश मीणा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा की अगुवाई में जिला बचाओ संघर्ष समिति ने धरना दिया। धरने के पश्चात मीणा ने कहा कि अगर भाजपा का विधायक बनने से जिला निरस्तीकरण रुक जाता है तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि जिले कम करने के बजाय और जिले बना दो, कौन मना कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री हमारे संभाग के ही हैं, लेकिन अपने संभाग के ही गंगापुर सिटी जिले पर कैंची चलाना चाहते हैं। ये नई कैंची वे कोरिया से लेकर लौटे हैं।